नहीं 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 क्या 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 सोच रहे हो यार, एक बार घोड़ी पे चढ़ना नसीब नहीं हो, ये साले को घोड़ी पे ही घूम रहे तब से। जी हाँ दोस्तों, आज मैं तनु वेड्स मनु रिटर्न्स देख कर आया। तो ये तनु वेड्स मनु का सीक्वल है और 4 साल बाद मूवी रिलीज हुई है। बहुत ही मतलब अच्छी फिल्म थी, वो हिट फिल्म थी और लव्ड फिल्म थी और उस वर्ल्ड कप के टाइम पर रिलीज हुई थी और लोग उसके बहुत फ़ैन हैं। उस फिल्म की गुडविल का इस फिल्म को फ़ायदा होगा। तो आइए देखते हैं इस फिल्म की न्यूमरोलॉजी कैसी है। तो तनु वेड्स मनु रिटर्न्स जो टाइटल है वो 77 पे ऐड होता है, 775 पे ऐड होता है, जो कि मर्क्यूरी का बुध का एक बहुत ही लक्की नंबर है, कम्युनिकेशंस के लिए बड़ा अच्छा नंबर है। तो जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं आनंद एल राय, वो न्यूमरोलॉजी के बहुत स्ट्रांग फॉलोअर हैं और न्यूमरोलॉजी को फॉलो करते हैं, क्योंकि उनका नाम भी वो एड 23 पे होता है, 5 पे होता है। आनंद एल राय की स्पेलिंग चेंज करी उन्होंने और इस फिल्म का टाइटल भी 5 पे ऐड होता है, जो कि इसकी पिछली पार्ट थी तनु वेड्स मनु भी 50 पे ऐड होता था, तो वो भी 5 पे ऐड होता था। और इस फिल्म का जो डायरेक्ट ट्रेलर वगैरह लॉन्च करा है वो भी उन्होंने 5 की डेट्स पे लॉन्च किया था। फिर इससे पिछली जो उन्होंने रांझना फिल्म बनाई थी वो भी 5 पे ऐड होती थी 23 पे, तो वो हमेशा न्यूमरोलॉजी को फॉलो करते हैं और ये उनके सक्सेस का एक राज भी है। तो न्यूमरोलॉजी इस फिल्म की अच्छी है। जैसा कि मैंने बोला, फर्स्ट फिल्म बहुत सक्सेसफुल थी और लोगों को बहुत अच्छी लगी थी, उसकी गुडविल इस फिल्म के साथ है। फिल्म की ओपनिंग अच्छी लगी है, ज़्यादा बजट नहीं है। ईस्ट पंजाब में और नॉर्थ इंडिया में पिक्चर की ओपनिंग बहुत अच्छी लगी है और गब्बर इज बैक से भी ज़्यादा अच्छी ओपनिंग लगी नॉर्थ इंडिया में इसको। तो आई थिंक फर्स्ट डे का जो टोटल होगा 7-7.5 करोड़ होगा, जो कि एक फीमेल ओरिएंटेड फिल्म के लिए हाईएस्ट इनिशियल होगा, हाईएस्ट टोटल होगा फर्स्ट डे कलेक्शन के रूप में। तो ये तो ही न्यूमरोलॉजी और बजट और कलेक्शंस की बात। आइए देखें इस फिल्म की स्टोरी कैसी है। अब स्टोरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी है, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट जहाँ ख़त्म हुआ था, सेकंड पार्ट वहीं से शुरू होता है और दिखाते हैं कि शादी के बाद तनु और मनु जो हैं लंदन में रहते हैं और 4 साल बाद की कहानी दिखाई कि शादी के 4 साल बाद दोनों किस दौर से गुजर रहे हैं। तो दोनों के बीच में वही नॉर्मल लड़ाई झगड़े होते हैं जो कि एक हर मैरिज में होते ही हैं। और जो हीरोइन है तनु कंगना, वो थोड़ी बिंदास है, वाइल्ड है, एडवेंचर पसंद करती है, और हीरो मनु थोड़े सिंपल हैं, सोबर हैं और एक रेगुलर गाय हैं, तो इसलिए इन दोनों की इतनी मिलती मतलब बनती नहीं है और लड़ाइयाँ होती हैं। तो लड़ाई झगड़े में वो उसको पागलखाने छोड़ के आ जाती है, या पागलखाने वाले उसको ले जाते हैं हीरो को, और वो खुद कानपुर चले जाती है और वहाँ पे अपने एक फैमिली को शॉक देती है कि फॉरेन रिटर्न अब देसी बनती है, तो लोगों के साथ फ्लर्ट करती है और मतलब टॉवल में बाहर सबके सामने आ जाती है, मतलब शॉक देती है सबको, दारू पीती है, ऐश करती है, और वो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं थोड़ा एंटरटेनमेंट ढूंढती है उधर ही। फिर वो, लेकिन उसको चिंता होती है अपने पति की, तो फिर वो पप्पी को, उसके दोस्त को फ़ोन करती है कि जाके उसको पागलखाने से छुड़ा के लेके आ जाओ। तो वो जाता है फ़ौरन और उसको पागलखाने से लेके आता है। फिर वो लोग दिल्ली आ जाते हैं आर माधवन के पेरेंट्स के घर पे, और आर माधवन दिल्ली में उसको एक लड़की दिखती है जो कि बिल्कुल कंगना जैसी दिखती है, और उसको फर्स्ट लव हो जाता है, उसको लव एट फर्स्ट साइट हो जाती है उसको, तो देखते से ही प्यार हो जाता है। और वहाँ पर वो शादी करना चाहता है और उसके घर वाले से बात कर लेता है, रिश्ता भी पक्का हो जाता है, और वो साथ में दोनों एक दूसरे को डाइवोर्स के पेपर भी फाइल कर देते हैं, डाइवोर्स का नोटिस भेज देते हैं। फिर इस फिल्म में जिम्मी शेरगिल की भी वापसी हो जाती है, राजा अवस्थी, जो कि फर्स्ट पार्ट में भी कंगना से शादी करना चाहता था। अब सेकेंड पार्ट में कंगना उसको बोलती है कि ठीक है मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, और वो रेडी हो जाती है कि मैं वापस आ गई हूँ। तो वो बोलता अब तुम आई हो, अब तो मेरी शादी तय हो गई है, तुम मिली नहीं तो तुम्हारे जैसी एक लड़की। तो इसमें इंटरनल में ट्विस्ट ये आता है कि जिम्मी शेरगिल की भी शादी उस लड़की से तय हुई है जो कि कंगना की तरह दिखती है, जो कि वो दिल्ली में है, हरियाणवी लड़की जो है, तो जिससे अब आर माधवन को प्यार हो गया और आर माधवन शादी करना चाहता है। यानी कि इस फिल्म में भी दूसरी बार वो फिर से जिम्मी शेरगिल की लड़की को भगा के लेके जाना चाहता है, और जिम्मी शेरगिल फिर कन्फ्यूज हो जाता है कि इस बार भी तेरा पति मेरी उस मंगेतर से कर रहा है, अब मैं क्या करूँ। और साथ ही साथ जिमी शेरगिल खुश भी है कि ये वाली तनु भी मिल सकती है उसको। तो अब ये इस फिल्म के सेकंड हाफ में और क्लाइमेक्स में सब में मालूम पड़ेगा किसकी किससे शादी होती है, तनु और मनु वापस साथ में आ जाते हैं, या आर माधवन को नई कंगना से प्यार हो जाता है तो उससे शादी कर लेता है, जिमी शेरगिल को कौन सी लड़की मिलती है, और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं इसमें जो फर्स्ट पार्ट में थे। तो ये इस फिल्म की स्टोरी है, जो कि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। और अब फिल्म के जो असली हीरो हैं वो हैं हिमांशु शर्मा, जिन्होंने इस फिल्म के डायलॉग्स लिखे हैं, स्टोरी और स्क्रीन प्ले भी लिखा है, क्योंकि इस फिल्म के डायलॉग्स ही इस फिल्म की जीत हैं। इतने बढ़िया बढ़िया वन लाइनर्स हैं, इतनी बढ़िया कॉमेडी है कि आप सब लोग हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। तो फिल्म में फर्स्ट हाफ तो बहुत ही अच्छा है, 2 घंटे की फिल्म है, क्रिस्प एडिटिंग है, बढ़िया फिल्म है, तो फर्स्ट हाफ तो बहुत ही अच्छा है, कैसे गुजर जाता है लाइट हार्टेड तरीके से, ब्रीजी तरीके से, आपको पता नहीं चलता है। सेकेंड हाफ थोड़ा सा ड्रैग करता है, और सेकेंड हाफ में कुछ अनरियलिस्टिक चीज़ें भी होती हैं, अनडाइजेस्टेबल चीज़ें भी होती हैं, लेकिन फिर भी जो डायलॉग्स हैं, वन लाइनर्स हैं, वो इतने बढ़िया हैं कि आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता और आप इन्जॉय करते हो पूरी पिक्चर को।
तो इस फिल्म को मैं 3.5 स्टार देता हूँ। क्लाइमेक्स थोड़ा मुझे लेट डाउन लगा, क्लाइमेक्स को आई थिंक मिक्स रिएक्शन मिलेंगे, कुछ लोगों को अच्छा लगेगा कुछ लोगों को बुरा लगेगा। तो क्लाइमेक्स अगर अच्छा होता, आखिरी के 10-15 मिनट और भी अच्छे होते और थोड़े डाइजेस्टेबल होते तो मैं इस फिल्म को 4 स्टार देता, पर क्लाइमेक्स मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैं इसको 3.5 स्टार दे रहा हूँ। अदरवाइज़ पूरी फिल्म बहुत एंटरटेनिंग है, थोड़ी बहुत प्लस माइनस हैं इस फिल्म में लेकिन एंटरटेनिंग और डायलॉग्स इतने अच्छे हैं कि आप ज़्यादा जजमेंटल नहीं होते, आप बस इन्जॉय करते हो। तो डायरेक्शन जो है आनंद एल राय का है, बहुत अच्छा डायरेक्शन है, बहुत अच्छी पकड़ है कि देसी रोमांटिक कॉमेडी है, छोटे शहरों का फ्लेवर, स्मॉल टाउन फ्लेवर है इस फिल्म में, स्मॉल टाउन में बहुत चलेगी फिल्म ये इसलिए। और बहुत क्लेवर सीक्वल है, उनको पता था कि ऑलरेडी कैरेक्टर्स पॉपुलर हैं, एस्टैब्लिश हैं, उनको आगे कैसे खेलना है, ऑडियंस के दिमाग से कैसे खेलना है डायरेक्टर ने खेला है। और पूरी पिक्चर में सिर्फ जो मज़ा आता रहा इसलिए डायलॉग्स और वन लाइनर्स के कारण आता रहा। गाने इस फिल्म के अगर हम बात करें तो 2 गाने सुपरहिट हो चुके हैं, ब्लॉकबस्टर हो चुके हैं, एक तो बन्नो और एक घनी भावरी। बाकी गाने भी अच्छे हैं और सिचुएशनल हैं और धीरे धीरे शायद ग्रो होंगे, पर ये दोनों गाने बहुत अच्छे लगते हैं, फिल्म के सेकेंड हाफ में आते हैं और बहुत मज़ा आता है इनको सुन के। फिर फिल्म की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो कंगना रनौत स्टील्स द शो अगेन, और क्वीन के बाद एक बार फिर से उन्होंने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस करी है और बोल सकते हैं कि ये उनकी करियर बेस्ट परफॉर्मेंस है, क्योंकि डबल रोल किया है। तनु के रोल को तो ब्रिलियंटली उन्होंने पोर्ट्रे किया ही है, बिंदास, वाइल्ड, एडवेंचरस और थोड़ी पागल। और जो खासकर बड़ी बात ये लगी कि उन्होंने जो दूसरा दत्तों का रोल किया है, कुसुम का जो रोल किया हरियाणवी वाला, जो हरियाणवी एसेंट और डायलेक्ट पकड़ा है उन्होंने, तो उसमें परफेक्ट है। मतलब उन्होंने प्रूव कर दिया है कि अभी इस समय एट प्रेजेंट इंडिया की वो बेस्ट हीरोइन है और कोई भी हीरोइन उनके सामने लगती नहीं है, एज एन टैलेंट वाइज और एक्टिंग वाइज बहुत ही बढ़िया एक्टिंग करती हैं और एक्टिंग से दिल जीतती है। उनकी एक्टिंग के कारण ये फिल्म मस्ट वॉच है, और भले ही थोड़ा बहुत सेकंड हाफ अच्छा नहीं है या क्लाइमेक्स अच्छा नहीं है, पर उनकी एक्टिंग के लिए आप जरूर देखिए फिल्म और डायलॉग्स के लिए जरूर देखिए, आपको मज़ा आएगा। तो कंगना रनौत आई थिंक अवार्ड वर्दी परफॉर्मेंस एक बार फिर से देती है और बहुत ही हार्ड वर्किंग और मेहनती एक्टर है। खासकर जो उनका हरियाणवी वाला कैरेक्टर है वो आपको याद रहेगा काफ़ी लंबे समय तक। फिर इस फिल्म में आर माधवन है जो कि काफ़ी कंट्रोल्ड और मैच्योर परफॉर्मेंस दी है, रिस्ट्रेंड है, वो दूसरे एक्टर्स का स्पेस नहीं खाते हैं, इनसिक्योर नहीं है, ज़्यादा अपने पॉइंट प्रूव करने की कोशिश नहीं करते हैं, डाउन टू अर्थ सिंपल रेगुलर गाय का जो रोल था बहुत ही अच्छे से निभाते हैं। और एक्टिंग उन्होंने बहुत अच्छी की है, पर वही जो सेकंड हाफ में उनका कैरेक्टर इतना कंफ्यूज हो जाता है किससे शादी करूँ क्या नहीं करूँ, उसमें थोड़ा इरिटेशन होता है कि यार आदमी डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहा, तो कैरेक्टर को फीलिंग्स उन्होंने अच्छे से पोर्ट्रे करी है। लेकिन फिर इस फिल्म के जो सीन स्टीलर हैं, जो इस फिल्म के एक और हीरो हैं, वो हैं पप्पी यानी कि दीपक डोबरियाल। फर्स्ट हाफ में जो इनका जितना रोल था सेकेंड हाफ में उससे भी ज़्यादा है, सेकेंड हाफ में ऑलमोस्ट ये मेन हीरो ही हैं, तो बहुत रोल है क्योंकि इनका एक एक डायलॉग इतना अच्छा है, हिलेरियस है, थोड़ी ओवर द टॉप एक्टिंग है, थोड़ी कुछ सीनों में ओवर एक्टिंग भी है, लेकिन नॉर्थ इंडियंस तो ऐसे ही होते हैं, ओवर द टॉप होते हैं। तो आप इनकी कॉमिक टाइमिंग इतनी एक्सीलेंट है, ब्रिलियंट है, इसलिए आप माइंड नहीं करते हो, आपको बहुत मज़ा आता है। इनके डायलॉग्स, वन लाइनर इतने अच्छे हैं और जिस टाइप से इन्होंने डिलीवर करे हैं, आप ना चाहते हुए भी हंसते ही हो इनके हर डायलॉग पे। और इनके डायलॉग्स पूरी पिक्चर में आते ही रहते हैं, कैसी भी सिचुएशन हो बीच में से पीछे से एक डायलॉग ऐसा बोल ही देंगे कि आपको बहुत मज़ा आएगा, हंसी आएगी या स्माइल तो आएगा इसी। तो इसलिए इस फिल्म की असली जान आई थिंक दीपक डोबरियाल भी हैं कंगना के साथ साथ। फिर इस फिल्म में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, पूरी कास्ट ने, ऑनसेंबल कास्ट ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। इस फिल्म में मोहम्मद जीशान अयूब हैं जो कि बहुत कॉन्फिडेंट एक्टर हैं और इस फिल्म में बहुत अच्छी एक्टिंग करी है और बहुत एंटरटेनिंग एक्टिंग करी है, और उनको भी देख के बड़ा मज़ा आया। बाकी सब एक्टर हैं राजेश शर्मा, जिमी शेरगिल, स्वरा भास्कर, एजाज खान, सभी जो एक्टर हैं वो इस फिल्म की स्टोरी को आगे ले जाने में मदद करते हैं और अपने अपने किरदारों में बहुत अच्छे हैं, ब्रिलियंट हैं, और आप लोग सब उनसे कनेक्ट करते हैं। और फर्स्ट पार्ट में भी आपने उन्हें पसंद किया है, इस पार्ट में भी इतना रोल नहीं है जिमी शेरगिल और स्वरा भास्कर का, पर छोटे से रोल में भी वो लोग अपनी छाप छोड़ने में कामयाब होते हैं। तो ऑल इन ऑल ये फिल्म बहुत अच्छी है एंटरटेनिंग वाइज, 3.5 स्टार में देता हूँ, एक बार देखने लायक जरूर है, आप लोग जाके देखें इस वीकेंड। और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसके अच्छे ही होंगे क्योंकि न्यूमरोलॉजी अच्छी है, तो फिल्म ये जरूर हिट होगी। आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो लाइक कर सकते हैं और कमेंट्स में लिख सकते हैं कैसे मैं अपने रिव्यूज़ को और इम्प्रूव करूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।